हेलो गाइस, कैसे हो यार। आशा करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया हो। तो हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं आज बताऊंगा आपके भाई कि स्नैपशीट और ऑटोडेस्क की मदद से आप बहुत ही शानदार पेज को स्मूथ कर सकते हैं। कैसा भी काला पेज हो, उसको भी आप अच्छे से अच्छे स्मूथ कर सकते हो। तो गाइस, इस फोटो को देख सकते हो। इस फोटो को हम आज एडिट करने वाले हैं। तो ये किसी दोस्त का फोटो है, तो हम इसको एडिट करेंगे आज। तो गाइस, सबके पहले आपको ओपन कर लेना स्नैपशीट एप्लीकेशन, डाउनलोड कर ही लेना। तो ओपन कर लेना स्नैपशीट एप्लीकेशन और यहाँ पर प्लस वाला आइकन में क्लिक करना। और आप यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद इस प्रकार गैलरी में आ जाएंगे। तो ये देख सकते हो गैलरी में हमारा फोटो ये रहा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर टूल्स में क्लिक करना है। देख सकते हो टूल्स में। तो आप जैसे टूल्स में क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने इस प्रकार का देख लेना आइकन आ रहा होगा। तो इसमें क्लिक करना, और आप जैसे इसमें क्लिक करोगे ना, फोटो कर लेना जूम इस प्रकार। और जूम करने के बाद इस प्रकार ये देख सकते हो प्लस का आइकन दिख रहा है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, ऐसे एक बार ऐसे टैप करना है। तो इस प्रकार का सर्कल बना लेना आपको, बी वाला। तो ऐसे बी को इस प्रकार बढ़ाना, देख सकते हो आप, ये इस प्रकार काले काले में रखना और बी को इस प्रकार बढ़ाना। और बी को बढ़ाने के बाद फिर से प्लस में क्लिक करना नीचे, देख सकते हो इसमें क्लिक करना। और इसमें क्लिक करने के बाद इस प्रकार जहाँ आपको रखना है सर्कल को, इस प्रकार रख लेना। तो देख सकते हो यार, इस प्रकार मैं इतना बढ़ा लेता हूँ इसको, इसको शो कर लेता हूँ। और फिर से इसको ऐसे कर लेता हूँ इसको, और फिर से मैं प्लस में क्लिक करता हूँ। और प्लस में क्लिक करने के बाद मैं जहाँ काला हो रहा है ना, वहाँ रख लेना इसको सर्कल को। और इस प्रकार इसको घुमा लेना। इसको घुमाने के बाद, और यहाँ राइट वाला आइकन दिख रहा है नी इस साइड में, तो राइट कर लेना यहाँ, ये रहा। तो यहाँ से राइट कर लेना। राइट करने के बाद देख सकते हो बिफोर आफ्टर कितना काला था और कितना अच्छा हो चुका है। तो इतना होने के बाद आपको फिर से टूल्स में क्लिक कर लेना। टूल्स में क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा, तो इसमें टैप कर लेना। और टैप करने के बाद इसको आप बढ़ाना, देख सकते हो इसको ज़्यादा भी नहीं, इसको 11+। और इसके नीचे वाले को आपको पूरा शो कर लेना, ठीक है ना। तो इतना होने के बाद यहाँ से राइट कर लेना। और राइट करने के बाद आपको फिर से टूल्स में क्लिक कर लेना। अब टूल्स में क्लिक करोगे ना, टूल्स में क्लिक करने के बाद आपको इसमें क्लिक कर लेना। इसमें जैसे क्लिक करोगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको बढ़ा लेना। देखो इसको इतना बढ़ाएंगे हम, ज़्यादा भी नहीं, इसको 38+ करते हैं। प्लस करने के बाद यहाँ से राइट कर लेंगे, साइड में दिख रहा होगा राइट का, तो यहाँ से राइट कर लीजिए आप। तो राइट करने के बाद देख सकते हो गाइस, हमारा फोटो कैसा था और कैसा हो चुका है बिफोर आफ्टर। तो गाइस, अब इसको शेयर कर लेते हैं स्नैपशीट एप्लीकेशन में से, इसे शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। तो शेयर करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना, मैं बता दो आपको, इसमें क्लिक कर लेना यहाँ पर। इसमें जैसे क्लिक करोगे ना आप, तो आपके सामने ऊपर आएगा शेयर वाला आइकन, तो शेयर में क्लिक कर लेना। शेयर में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप जिस प्रकार, ये रहा हमारा ऑटोडेस्क स्केचबुक जो भी बोलते हो, तो इसमें ओपन हो गया हमारा फोटो। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये वाला दिख रहा होगा ब्रश, तो इसमें क्लिक करना। और इसमें क्लिक करने के बाद देख सकते हो गाइस, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी। इसमें से आपको क्या करना है, ये दूसरा नंबर वाला ब्रश ले लेना है। एक बार मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, ये दूसरा वाला ये ले लेना। और लेने के बाद यहाँ से सेटिंग देख लेना। सेटिंग सेटिंग में आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस एक बार। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। और नीचे वाले को तो कुछ भी नहीं करना है, दोनों को तो सेम रखना आपको। और इसका इसको कम ज़्यादा करना है, तो मैं इसको ज़्यादा भी नहीं करूँगा, 25 पॉइंट रख लेता हूँ, 24.1। तो फोटो कर लेना जूम। जूम करने के बाद इस प्रकार चेहरे में अच्छी तरह से चला लेना गाइस, इसको एक गोल गोल घुमाना ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं इस प्रकार देख सकते हो गाइस, यार इस प्रकार मैं कर लेता हूँ। तो आप भी इस प्रकार ब्रश को चला लेना अच्छी तरह से चेहरे में, ताकि ये मिक्स हो जाए। तो मैं ब्रश को इस प्रकार चला रहा हूँ ना, तो इस प्रकार आप भी जहाँ आपको ब्रश चलाना है वहाँ चला लेना, ताकि बहुत अच्छा फोटो लगे हमारा। तो मैं इस प्रकार इसको चला लेता हूँ, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ गाइस, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। तो आप इस प्रकार चला लेना ब्रश को अच्छी तरह से, इसे गोल गोल घुमाना है इसको, ताकि सही से मिल जाए, ठीक है ना। इसको गोल गोल घुमाना, गोल गोल घुमाने से क्या है, अच्छी तरह से हमारा पेज स्मूथ हो रहा है। देख सकते हो यार, गोल गोल घुमाने से अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो इस प्रकार कर लेना इसको, तो मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। इस प्रकार चेहरे में, गर्दन में अच्छी तरह से मैं कर लेता हूँ।
तो गाइस मैं बता दो आपको, यहाँ ऊपर चल जाना और आपको कम ज़्यादा करना है ना, तो इसी को ही करना है, ये दोनों को नहीं करना है, नीचे वाले को, ये दोनों को कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को आपको कम ज़्यादा सब इसको ही करना है, ऊपर वाले को, ठीक है ना। तो मैं इसको कम कर लेता हूँ, 20 पॉइंट रख लेता हूँ और इस प्रकार चला लेता हूँ। देख सकते हो यार कितना अच्छा हो रहा है हमारा फेस स्मूथ, कितना काला तार कितना अच्छा हो चुका है। तो अब आप इस प्रकार फेस को स्मूथ कर लेना और फेस स्मूथ करने के बाद यहाँ पर चले जाना ऊपर इसमें और यहाँ से डबल लेयर बना दे, प्लस में क्लिक करना। प्लस में क्लिक करोगे ना आप, जैसी डबल लेयर हो गई और आपको यहाँ कलर्स वाला आइकन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना और इसमें जैसे ही क्लिक करोगे ना आप, यहाँ से रेड वाला कलर ले लेना और रेड वाला कलर लेने के बाद यहाँ से कट कर लेना, एक कट वाला तो यहाँ से कट कर लेना। कट करने के बाद आपको यहाँ से इसमें चले जाना ऊपर ब्रश में, इसमें चले जाना। इसमें चले जाने के बाद आपको लाइब्रेरी में क्लिक करना, लाइब्रेरी में जैसे क्लिक करोगे ना आप, इसको ऊपर करना। ऊपर करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, ऐसा ऑप्शन आने के बाद आपको ये वाला ब्रश ले लेना, ये वाला देख लेना ये वाला, और इसकी सेटिंग भी मैं बता दूँ आपको, यहाँ से सेटिंग में क्लिक करना, बता दूँ सेटिंग, तो सेटिंग में क्लिक करना और सेटिंग में जैसे क्लिक करोगे ना आप इसको 100 कर लेना, नीचे वाले को इसको शो कर लेना और इसको आप रख लेना, इसको ज़्यादा भी नहीं 9.4। वैसे जूम कर लेना, जूम करने के बाद मैं इसे फोटो में चला लेता हूँ, देख सकते हो इस प्रकार फोटो में चला लेना आप। मैं इसको बढ़ा लेता हूँ थोड़ा बहुत, वो इस प्रकार फोटो में चला लेता हूँ। तो इस प्रकार फोटो में चलाने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है ऊपर, इसमें चले जाने के बाद आपको यहाँ पर इस लेयर में क्लिक करना। आप लेयर में क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इसमें क्लिक करना, इसमें जैसे क्लिक करोगे ना आप तो आपके सामने ये वाला इसमें क्लिक करना, इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इस प्रकार का, इसको कम कर लेना, इसको इस प्रकार का आएगा तो इस प्रकार इसको कम कर लेना। देखो इसको मैं इतना कर लेता हूँ, तो इतना करने के बाद देखो फिर से मैं थोड़ा सा बहुत कम कर लेता हूँ, तो इसको मैं इतना रख लेता हूँ। तो इतना रखने के बाद देख सकते हो यार कितना अच्छा हो गया हमारा फ़ोटो। तो मैं एक बार एक लेयर और बना लेता हूँ, तो आप ऊपर क्लिक करना, ऊपर क्लिक बने या प्लस में क्लिक कर लेना, यहाँ पर प्लस में आप जैसे प्लस में क्लिक करोगे ना आपको फिर से कलर्स में जाना है। कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ से वाइट वाला कलर ले लेना, सेलेक्ट कर लेना ऐसे वाइट, आप वाइट वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है और वाइट वाला कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको इस ब्रश में चले जाना है। एक बार ब्रश में चले जाने के बाद इसको बढ़ा लेना है आपको 29 और यहाँ से कट करना। कट करने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है एक बार डबल लेयर में, डबल लेयर में जैसे जाओगे ना आप इसमें क्लिक करना, इसमें जैसे ही क्लिक करोगे ना आप इसमें क्लिक करना एक बार, और इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन होगा, इसमें क्लिक करना गाइस सॉफ्ट लाइट, इसमें जैसे क्लिक करोगे ना आप फोटो को करना जूम और जूम करने के बाद जहाँ आपको चलाना है इस प्रकार सही से इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। तो इस प्रकार देख सकते हो यार कितना अच्छा हमारा फोटो गोरा हो रहा है। तो इस प्रकार मैं जल्दी जल्दी चला लेता हूँ। तो आप इस प्रकार फ़ोटो को गोरा कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो मैं इस प्रकार जहाँ हमको चलाना है इस प्रकार मैं चला लेता हूँ। तो आप इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप समझ जा रहा हूँ मैं आपको, बस आपको कुछ नहीं करना है, हमको जैसे यूज कर रहा हूँ ना इस प्रकार यूज कर लेना है आपको, टूल्स को फॉलो करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, इस प्रकार सही से कर लेना है। देख सकते हो यार, तो मैं इस प्रकार कर लेता हूँ। तो इस प्रकार आप भी चला लेना। इस प्रकार चला लेना और इस इतना होने के बाद आपको यहाँ पर डबल लेयर में क्लिक करना है ऊपर, इसमें क्लिक करने के बाद आपको इसमें क्लिक करना है एक बार, इसमें जैसे ही क्लिक करोगे ना आप तो इसको कम कर लेना। देखो इसको मैं कम कर लेना, इसको मैं इतना कर लेता हूँ। तो देख सकते हो फाइनली हमारा फोटो एडिट हो चुका है गाइस यार। तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, इसमें इसमें क्लिक करोगे आप थ्री डॉट में ऊपर, इसमें जैसे क्लिक करोगे ना आपको यहाँ शेयर वाला आइकन है इसमें क्लिक करना और नीचे ये वाला इसमें क्लिक करना, ये जैसे डाउनलोड हो जाएगा गैलरी में। तो डाउनलोड हो रहा है फोटो। तो गाइस हमारा फाइनली हमारा फोटो डाउनलोड हो चुका है, हम गैलरी को ओपन कर रहे थे, यहाँ से गैलरी को ओपन कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो हमारा फोटो ऐसा था और ऐसा स्नैपशीट और ऑटोडेस्क ऐसा हो गया है। तो गाइस ये ना कमाल की ट्रिक, आप कैसा भी फोटो को इस प्रकार गोरा कर सकते हैं।
तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबके पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ले बाय, जय हिंद जय भारत।